स्पेशली मैं कश्मीर की बात करूँ, वहाँ लिटरेसी बहुत है, वहाँ बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो अभी ठेले लगाए हुए एम कॉम ऐसे PhD वाले लड़के बैठे हुए हैं। अब ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहाँ प्राइवेट जॉब्स के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, स्पेशली J&K में, जम्मू हो या कश्मीर हो। सरकार ने कहाँ सोचा रोजगार के लिए, किसके लिए सोचा है? किसी के लिए भी नहीं सोचा, उसने तो सिर्फ अपनी सरकार बचाई है। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ सरकार बचती भी दिख रही है। देखा जाए तो अभी हमारी जो GDP जो बदली है काफ़ी अच्छा हद तक, मतलब सुधर गई है पहले की तरह। इमरान मलिक सर, अभी जो बजट आया है आज के बजट में, खास करके मतलब विपक्ष सवाल उठा रही है कि बस दो राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा विशेष पैकेज मिले हैं और पूरे भारत देश में किसी राज्य को इतने नहीं मिले। इससे आम जनता को भी कुछ खास नहीं मिले, आम जनता का सारा पैसा का टैक्स होता है लेकिन वो किसी एक दो राज्य को दे दिया जाता है सिर्फ राजनीति की रोटी सेकने के लिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, जैसा देख पा रहे हैं आपके पास में पता है ऑलरेडी कि सरकार मिली जुली बनी है, तो विपक्ष के पास में इस टाइम सरकार चलाने के अलावा दूसरी चीज़ तो उसको नहीं दिखेगी, तो उसके हिसाब से उन्होंने सही एक्शन लिया है। क्योंकि 15 से 18 सीटें आपकी आंध्र प्रदेश से आती हैं, तो आंध्र प्रदेश को देना ज़रूरी था अगर कंटिन्यू चलाना है सरकार। और तुम्हारा नीतीश जी का तो तुम्हें पता ही है, कभी वो उधर हैं तो कभी इधर हैं NDA में, तो उस वजह से उन्होंने वो डिसीज़न लिया है। ये तो एक तरफा है, आपको भी पता है क्लियरली। कल विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए मतलब मना कर दिया गया था, केंद्र सरकार मना कर दी थी, फिर आज इतने सारे मतलब 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैकेज मिला है बिहार को, खास करके मिला है हाईवे बनाने के लिए, बाढ़ आता इन चीज़ों के लिए, क्या कहें मतलब क्या वो डिजर्विंग है? नहीं, विशेष दर्जा तो नहीं दे सकते किसी एक, देखें हमारे पास 28-29 राज्य हैं तो हम एक को किसी विशेष दर्जा तो नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, पैसा दिया है, काफ़ी मोटा इन्वेस्टमेंट की वहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको पता है काफ़ी बैकवर्ड है बिहार साइड से, अप्रोक्स 60-65% लोग जो यहाँ दिल्ली NCR नोएडा में जॉब करते हैं, तो वहाँ अगर इस तरीके का कुछ आता है तो वो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट वो लोग वहाँ रहते रहेंगे, तो विशेष दर्जा तो नहीं दे सकते, वो चीज़ ठीक है। अच्छा सर, पूरे देश में 80-82 करोड़ युवा है, उसमें से 1 करोड़ युवा की बात की गई है कि सो उन्हें मतलब इंटर्नशिप करवाया जाएगा साल भर का, चाय पी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हाँ, तो मतलब साल भर का इंटर्नशिप कराया जाएगा, इसको लेके क्या कहेंगे कि सो क्या युवा के रोजगार में भी अब अग्निवीर योजना डाली जा रही है कि सो भाई साल भर इंटर्नशिप करने के बाद तुम्हारा क्या, क्योंकि साल भर इंटर्नशिप ऐसे भी नहीं होते लेकिन अगर आप करवा भी रहे हो तो उसके बाद क्या क्या रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सबको लेकर? ये तो सरकार है ही नहीं, कहाँ है सरकार, ने कहाँ सोचा रोजगार के लिए, किसके लिए सोचा है? किसी के लिए भी नहीं सोचा, उसने तो सिर्फ अपनी सरकार बचाई है। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ सरकार बचती भी दिख रही है नॉर्मली, और कुछ नहीं। आम जनता का पैसा जो टैक्स में जा रहा है उसको लेके क्या? तो टैक्स तो अभी भी देना है, टैक्स में कौन सा आपको रिब्यूट मिला है? आम जनता के लिए मतलब ये तो कुछ नहीं है, नहीं, जीरो बजट है, और युवा के लिए भी जीरो बजट, बिल्कुल है। आप बताएं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है? मतलब जैसे कि एक पॉइंट ये रखा जाता है कि भाई मैंने इंटर्नशिप का प्रस्ताव रखा है, अब इंटर्नशिप कराए जाएंगे बच्चों को, इसको स्किल्स दिया जाए। इंटर्न्स तो पहले भी हो रहे थे ना, सरकार के उस पे प्रकाश डालने से क्या ही मिलेगा, पहले भी 3-3 महीने के इंटर्न्स हो रहे हैं, इनफैक्ट आप 1 साल का इंटर्न दे रहे हो, उससे पहले तो 3-3 महीने के इंटर्न लेकर के सरकार जॉब ले रहे हैं लोग। अच्छा, आने वाले टाइम में विधानसभा चुनाव भी है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा बजट के ऊपर? इफेक्टिवली पड़ेगा उस पर इफेक्टिवली पड़ेगा। कैसा पड़ेगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव? देखें अभी इतना तो नहीं कह सकते क्योंकि हम इतने विशेषज्ञ तो है नहीं, लेकिन हाँ अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सो भाई 5 राज्य में हमारी सरकार बनेगी, अब मतलब ऐसे सब प्रस्ताव ऐसे सब ला रहे हैं बजट में, उसमें आप और हम कुछ नहीं कह सकते। आपने बजट पे बात की तो हम बजट पे बता सकते हैं, बजट आम आदमी के लिए नहीं है, सिंपल। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। सर आपका नाम? चंदन सिंह। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ। सर अभी आज बजट आया है, बजट में मतलब खास करके जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ आया, कि आपको लगता है कि कुछ खास उनके लिए आया है, कुछ किया गया है? जैसा कि अभी आपने, मैंने सुना कि यहाँ पर बोला गया है कि 1 साल के लिए इंटर्नशिप को बढ़ा दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो युवाओं के लिए तो जरूर, बेसिकली अगर दो फैक्टर होते हैं हर चीज़ के, दो पहलू होते हैं तो देखा जाएगा, तो एक अच्छा भी है कि अगर अच्छे से इंसान सीख लेता है काम, क्योंकि हमें जब काम ही नहीं पता है तो हम करेंगे क्या, और 1-2 महीने के लिए अगर कोई भी कंपनी अगर हमें इंटर्नशिप कराती भी है तो जस्ट फॉर की सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद उसका कोई ज़्यादा योगदान होता नहीं है, हमें कंपनीज में अपने एक्सपीरियंस शो करने होते हैं। तो
तो गवर्नमेंट भी एक पहल दिखा रही है, गवर्नमेंट हमेशा प्राइवेटाइजर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रहती है, हमेशा से हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने जा रही है। तो प्राइवेटाइज में हमेशा देखा जाता है कि आपको स्किल पे जॉब मिलती है, तो वो स्किल डेवलप कर रहे हैं काइंड ऑफ, ये देखा जा सकता है अगर इसके इस पहलू को देखा जाए। और दूसरे पहलू अगर आप बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि इसके पास जॉब मिलना ही मिलना है, तो गारंटी तो हमारा भी नहीं है, हम लोग तो MBA करके बैठे हुए हैं, फिर भी इतना आइडिया नहीं रहता कि हम लोग जॉब मिल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो स्किल पे डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज़ ऑन योर लाइक, कि अगर आपके पास स्किल है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो फिर आपको एक साल का इंटर्नशिप करा दो तो भी आप नहीं कर पाओगे। सर, विपक्ष ये भी कह रही है कि भाई 82-83 करोड़ युवा है देश में, आप 1 करोड़ का नाम ले रहे हो, वो भी किसी स्पेशल बच्चों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का तो काम ही है बोलना। स्टार्टिंग से अगर उनके पास कुछ नहीं है, जैसे अगर वो सरकार में आते तो वो 1 करोड़ के लिए भी कुछ नहीं करते, देखा जाए तो 82 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी हो रहा है कहीं ना कहीं से, तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर उनके तरफ से आए, वो अगर वो पहलू दिखा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि 82 करोड़ को भी देना चाहिए, तो मतलब सेंस वाली बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि एक साथ सबको अमीर कर दो या एक साथ किसी को कुछ मत करो, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भी शुरुआत करेंगे तो बड़ा आराम से हो जाता है। तो बस यही है कि बिहार को लेके खास करके जो स्पेशल पैकेज की बात की गई, अभी जो पैक मतलब उन्हें मिले हैं, मतलब 50,000 करोड़ से ज़्यादा मिले हैं, आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ मिले हैं, तो इसको लेके क्या कहेंगे, क्या पूरे भारत देश में 2 ही राज्य हैं ऐसे जिन्हें ये मिले? देखा जाए तो 2 ही राज्य नहीं है, बट अगर हम लोग अगर थोड़ा सा बहुत जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं कि यार कौन से देश पिछड़े देश हैं, तो एक बिकारू देश का नाम आता है जिसमें बिहार आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, हाँ, और उड़ीसा भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इन सब देशों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। और जैसा कि पलायन बहुत सारा इन्हीं देशों से देखा जाता है, यूपी बिहार से लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, बहुत, हाँ मतलब इनकी सॉरी राज्य से, इन्हीं सब राज्यों से लोग पलायन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो देखिए, ये भी ग्रसित लग रहे हैं हमारे देश के युवा, तो ठीक है, बस यही सब चीज़ें हैं कि जो देश ज़्यादा मतलब सपोर्ट चाहिए होता है उसको सपोर्ट कर रही है। हालांकि अगर राजनीति के तौर से देखा जाए तो सपोर्ट मिला है इन राज्यों से भी, सरकार को सपोर्ट मिला है काफ़ी अच्छा खासा, तभी इन्होंने सरकार बनाया है। तो जो कह रही है खास करके विपक्ष की, भाई अब BJP खास करके अपना सत्ता बचाने के लिए इन राज्यों को लाभ दे रही है, ताकि ये जो नेता हैं ये हमारे साथ बने रहे आने वाले टाइम में, तो इसको लेके क्या कहें? अब ये देखिए, राज्य बचाने के लिए अगर बात की जाए तो फिर तो जो अपोजिशन है उन्होंने तो पूरे के पूरे राज्यों को एक साथ कर लिया था, तो वो तो सबको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उनके तरफ से देखा जाए तो फिर तो पूरे देश को ही विकास हो जाता अगर वो सरकार में आ जाते। तो अगर BJP अगर आ रही है सरकार में और वो वही सत्ता बचाने की बात, तो देखो दोनों साइड हो रहा है, अगर यही अगर हमारे तो अभी आई ना, इसी वजह से तो आई है जो बचाने की बात हो रही है यहाँ पे, अगर नहीं आती तो यही काम अभी दूसरे विपक्ष करते रहते, यही सेम काम वो भी करते, बस यही है कि अभी उनके हाथ में आई नहीं तो अब दूसरे हाथ में आई, तो बस वही है कि अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, आम जनता जो खास करके महिलाएं हैं होती हैं या फिर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो बहुत बरकरार से मतलब बेकरारी तरीके से वेट करते हैं कि भाई बजट आएगा तो हमारे लिए कुछ काम किया जाएगा, हमारे लिए भी कुछ बातें रखी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ देखा नहीं गया। क्या आम जनता का ही पैसा होता है वो जो मतलब होता है टैक्स में, तो उसको लेके क्या कहें? देखिए, अभी तो मैंने बजट अच्छे से देखा नहीं है, एक बार देखने के बाद मुझे पता चलेगा कि किसमें किस सेक्टर में ज़्यादा चीज़ों को देखा गया है और किस सेक्टर में कम। तो मिडिल क्लास के लिए तो हमेशा से एक दौर बना रहा है, हमेशा से उनके टैक्सेस को धीरे 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 करके बढ़ाया गया है, हमेशा से बढ़ाया गया, जब से 91 से लेकर अभी तक तो चीज़ों में कमी नहीं आई है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में लोगों के पैसे कटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो टैक्सेस तो देखो सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार आएगी टैक्स बढ़ाएगी, क्योंकि अभी इस चीज़ में हमारे जैसे अगर दूसरे देशों में देखा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर की भी थोड़े से आशंकाएँ बढ़ रही हैं, तो उस सब देशों की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है, वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और जिसकी वजह से महंगाई भी है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोगों पे देखा जाता है कि ये मिडिल क्लास पे क्यों ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पास बजट ही कम रहता है घर चलाने के लिए, तो उस पर थोड़ा सा भी अगर भार पड़ता है तो उनको दिखता है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा है। बट अगर यही अगर अपर लिमिट क्लास को हम लोग देखते हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनके लिए अगर पेट्रोल आप 1,000 रुपये भी कर दोगे तो भी उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए अगर 5 रुपये भी महंगा पड़ जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है, हमें पूरा एक महीने का पूरा एक हिसाब लेके चलना पड़ता है। तो वो सही है, बट कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा भी देखना चाहिए सरकार को कि एक लिमिट में चीज़ों को बढ़ाते रहें।
बाकी सब सही। एक लास्ट सवाल है सर कि सो मतलब बार बार ये कहा जा रहा है कि सो मोदी सरकार जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है वो 2047 को लेके ध्यान में रख के सारी चीज़ें कर रही है, सारे बजट लाए जा रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे डेवलपमेंट के ऊपर काम हो, उनका जो लक्ष्य है कि सो तीसरे नंबर पर इकोनॉमी को पहुँचाया जाए उनके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए देखा जाए तो अभी हमारी जो GDP जो बदली है काफ़ी अच्छा हद तक मतलब सुधर गई है पहले के तौर पे, और GDP बढ़ने का एक राज ये भी है कि जब हम लोग ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर दिए हैं, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जब से लोगों के पास पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं, अब हर किसी के पास आप देखेंगे कि अगर हम बात करते पुराने देशों में पुराने मतलब समय की, तो मोबाइल घर में एक हुआ करता था जो कि पापा के पास हुआ करता था, बच्चे छोटे, अब छोटे छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल आने लगा है तो वो लोग भी अब ऑनलाइन चीज़ें खेलने शुरू कर दिए हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ गेम आने लगे हैं, ऑनलाइन उस पर लोगों ने पैसा पे करना स्टार्ट कर दिया। तो GDP कहीं ना कहीं हर एक चीज़ से इफेक्ट करती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी GDP में जुड़ती हैं, अगर आप 10 रुपये का भी सामान ले रहे हो वो दे रहे हैं तो उसमें भी GDP का फ़र्क पड़ता है, तो GDP का बहुत बड़ा फ़र्क हुआ है। और ये 2047 में मुझे लगता है, देखिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सच में अगर आप तीसरे स्थान पे देखते हैं इंडिया को, तो मैं कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पे भी देखता हूँ इंडिया को, क्योंकि अब इस समय अगर हम दूसरे अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं चाइना उनकी चीज़ों को देखा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं चीज़ों में गिरावट आनी शुरू हो गई, जब से हमारे जब कोरोना एक वायरस आया हुआ था 2018-19 में, उसके तौर पे एक चाइना को एक लोगों ने अलग करना स्टार्ट कर दिया सभी देशों ने, तो कहीं ना कहीं उनकी गिरावट की चीज़ें स्टार्ट होने शुरू हो गई हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट हाँ दूसरे स्थान पर हो सकती है 2047 तक, और ये काम बहुत देखा जा रहा है इस पर, तो मतलब मैं कहूँगा विपक्ष भी कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती है इस चीज़ों में, तो हाँ हो सकता है बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि 2020 में कोरोना आया और उसके बाद से फिर चाइना मतलब लगातार वहाँ पे कमी दिखने को मिल रही है, और हो सकता है कि सो BJP या मोदी 3.0 चाहे तो हमारे GDP को दूसरे नंबर पे भी लेके जा सकती है। अगर हम बात करें और इस चीज़ को लेके, तो सर कुछ बात करना चाहेंगे आप? सर कुछ बात करेंगे बजट को लेके? ये भी सही बात है सर, क्या कहेंगे बजट को लेकर? अभी जो बजट आया है खास करके मतलब क्या आम जनता के लिए वो बजट आया है? थोड़ा ऊपर आ जाइए आप। बजट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे फार्मर्स के लिए बजट आया और जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बजट आया, और हमने देखा कि अमरावती के लिए जैसे बजट स्पेशली चंद्रबाबू नायडू के लिए जो बजट आया, बजट जैसा भी हो उसमें लोगों का काम होना चाहिए, जैसे एक स्ट्रेटजी के तहत बजट बनना चाहिए जिसमें हम जैसे हम टैक्स पेयर हैं, हम यहाँ जॉब करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट जो भी हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी, उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मतलब अभी जो बजट आया खासकर उसमें बिहार को 50,000 करोड़ प्लस मतलब मिले हैं, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ मिले, जैसे आपने अमरावती की बात की, ऐसी चीज़ें, और खास करके जो विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि पूरे देश में इन दो राज्यों पे ज़्यादा विशेषकर ध्यान दिया गया है, और मोदी जी कहीं ना कहीं आने वाले 2047 का ध्यान में रख के ये सारा स्ट्रेटजी बना रहे हैं। देखिए ये तो जैसे आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे जैसे बिहार को स्पेशली या अमरावती को, वो तो कोलिशन गवर्नमेंट का एक पार्ट है, जैसे चंद्रबाबू नायडू है, जैसे नीतीश कुमार है, स्पेशली उनके साथ ये डिस्कस हुआ होगा पहले कि आप हमारे सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट बनाएंगे हम, तो उसके पे वो तो डिस्कस हुआ होगा, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी स्टेट्स के लिए भी सेम, आम जनता के लिए कुछ किया गया इस अभी तो उतना मैंने नहीं देखा, सिर्फ अमरावती का देखा, और जैसे इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन का भी बहुत इसमें काम किया है, और तो हम तो यही चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और जो लेके मतलब ये कहा गया कि 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप करवाई जाएगी, 1 करोड़ लोगों को अब स्किल सिखाया जाएगा मतलब प्राइवेट सेक्टर में, वो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि विदाउट स्किल्स हम कुछ नहीं कर सकते, स्किल्स अगर हमें मिलेंगे 1 करोड़ लोगों को तो 1 करोड़ रोजगार मिलेगा। कहाँ के हैं आप? हम J&K से हैं। कहाँ से सर? कश्मीर से। कश्मीर से भी बात करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर को लेके खास करके कहा जाता है कि इतना कुछ किया गया और BJP सपोर्ट भी बहुत कर रही है, लेकिन उसके लिए भी कोई बजट नहीं लाया गया, जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ बात भी नहीं की गई। देखिए वो तो एक पॉलिटिकल व्यू है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट J&K में जहाँ तक हम ये कह रहे हैं तो कहने की बातें हैं, डेवलपमेंट तो हुई है थोड़ी बहुत है। अगर हम देखेंगे श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनी है, अगर आप देखेंगे कि उसका क्या हाल हुआ, एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम श्रीनगर, अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी में देखें जैसे वहाँ पर रोड वाइडिंग हुई, बाकी चीज़ें हुई, मगर वो जो
जितना भी उसमें पैसा लगा है, कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी है, आप इस टाइम भी अगर मेरे लोकल जो होम टाउन है वहाँ से देखेंगे तो वो सारा पैसा ज़ाया हुआ है उसमें, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम वो नहीं बना है। क्योंकि जब परसों बारिश हुई तो वो सारा पानी रोड्स पे आया, जैसे हम लाल मेन जो सिटी सेंटर है लाल चौक, परसों बारिश हुई तो कम से कम 1.5 फुट पानी रोड पे था। तो कहीं ना कहीं इस पे देखने की ज़रूरत है, इंस्पेक्शन की ज़रूरत है कि जिनको हम आगे कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अगर बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की, तो वो काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, बट उनके सिस्टम में ऐसी खराबी है कि वो चीज़ें सही तरीके से जनता तक पहुँच नहीं पा रही। नहीं सही, जहाँ तक मैं जेएंडके की बात करूँ, जॉब्स के लिए तो कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है तो 10-15% डेवलपमेंट हो सकती है, बट 100% में 10 और 15% सर, बाकी कुछ नहीं। ये तो कहने की बात है, यू कैन चेक, आप जा सकते हैं वहाँ पे, आप देख सकते हैं कौन सी डेवलपमेंट है, बेरोजगारी कितनी है। स्पेशली मैं कश्मीर की बात करूँ, वहाँ लिटरेसी बहुत है, वहाँ बहुत लोग पढ़े लिखे हैं जो अभी ठेले लगाए हुए, एमकॉम ऐसे पीएचडी वाले लड़के बैठे हुए हैं, कोई जॉब का, अब ज़रूरी नहीं है आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहाँ प्राइवेट जॉब्स के लिए भी कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, स्पेशली जेएंडके में, जम्मू हो या कश्मीर हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है डेवलपमेंट, तो मुझे नहीं लगता होता। वहाँ के लोग बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं? देखें, ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैक्सिमम लोगों, मैक्सिमम देखें वहाँ लोकल, अगर आप 75 ईयर्स से देखेंगे तो वहाँ लोकल पार्टीज़ का ज़्यादा हुआ है। जैसे श्रीनगर में देखें, हम जो जेएंडके में देखें, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस था, फिर कांग्रेस, फिर उसके बाद 2000 के बाद पीडीपी बना, तो कांग्रेस भी था, बीजेपी को भी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बीजेपी को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, हर एक इंसान का, हर एक ह्यूमन का अपना अपना पॉइंट व्यू है हर एक पार्टी के लिए, तो सपोर्ट तो जैसे जम्मू में बहुत सपोर्ट है बीजेपी का, कश्मीर में तो उतना नहीं है, कश्मीर में भी है, होगा 5-10%, बट लोकल पार्टीज़ को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना कि आप लाल चौक से हैं। जी, हम श्रीनगर के एक पार्ट से हैं, HMT साइड है, हम ये चाहते हैं कि वहाँ स्टेट हुड वापस दिया जाए और वहाँ जो लोकल इलेक्शन है वो किया जाए, ताकि क्योंकि वहाँ जो LG गवर्नमेंट है, LG जो गवर्नर है वो भी बहुत अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ पे इलेक्शन हो जल्दी से जल्दी, ताकि जो हम डायरेक्ट तो LG के पास नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो सुपीरियर है उनके पास, अगर हम किसी को चुनेंगे वहाँ पे, कोई नेता होगा हमारा लोकल, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस हो, PDP हो, BJP हो, ताकि हम जाएंगे उसके पास, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से होगा, डायरेक्ट तो हम LG वहाँ गवर्नर हाउस नहीं जाते, हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो वहाँ पे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट तो हमें बहुत ज़रूरी है और डेवलपमेंट भी उसी के साथ ही, बाकी मुझे नहीं लगता उतना डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। जैसा कि अभी आपने कहा कि वहाँ पे कई सारे लोग MCOM BCOM करे हुए ठेला चलाते हैं, वहीं इन्होंने दूसरी बात कही, मैं आपको बता दूं कि सो जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव इसी मुद्दे पर हुआ था, राम राज्य और 370 हटाना, ये सब इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे 2024 के चुनाव को जीतने के लिए। और उसके बाद अगर ये सुने, जम्मू कश्मीर के आदमी हैं और जम्मू के खास करके श्रीनगर 370 के बाद के, उससे तो देखिए वो एक अलग चीज़ है, या राम राज्य वो अलग चीज़ है। आप अगर जब आप वोट मांगते हैं, जब जब जो आपका मैनिफेस्टो होता है, जैसे आपने पहले बोला था 15 करोड़ नौकरियां देंगे हम, तो जो मैनिफेस्टो में आप काम करें, अगर आप अच्छा काम करेंगे नेक्स्ट टाइम लोग आप ही को वोट डालेंगे। जैसे हमारे वहाँ है, हमारे 75 साल हमारी वहाँ पे जो गवर्नमेंट थे उन्होंने कुछ नहीं किया, वो लोकल थे CM, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने घर बनाए जहाँ लोग पिस रहे हैं। मैं अपना बोलूँगा, मेरे नियर बाय में बहुत सारे लोग हैं, आल्सो मेरे रिलेटिव्स में जो MTech करके हैं, वो अभी कारपेंटर का काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिला सकता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, जो कि सर श्रीनगर से हैं, वैसे तमाम सी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई जिस चीज़ को आपने मुद्दा बना के आपने चुनाव जीता, कम से कम आप उस पर कीजिए। और सर ने बताया कि वहाँ के लोग बीजेपी को बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, बीजेपी को वहाँ पे जल्द से जल्द बाई इलेक्शन कराना चाहिए ताकि वहाँ पे काम हो सके, वहाँ पे लोग सरकार के पास जा सके और काम करना शुरू करें, लोग उन्हें सुने और काम करना शुरू करें।